वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं तो पहली बार आया इस स्कूल में, लेकिन मैं बहुत सुने हुआ है क्योंकि एक तो बहुत इतिहासिक स्कूल है, 100 साल तो उपर यह स्कूल है। 1894 स्कूल स्थापित किया गया सीगा, ते उदे बाद जगह भी काफ़ी है, 10 एकड़ लग जाए है, कुछ कहते घट है कुछ वध है, क्योंकि पुरानी थावां का पता तो लगता नहीं गा। पर असीं एक तो बाउंड्री करन लगे हैं चारों बन्ने स्कूल के, एक जिहड़ी साडी पुराना इतिहासिक स्कूल है पिछ जिहड़ा 1894 बनिया सीगा, उहनूं असीं बिल्कुल एज सच मेनटेन करना। उत्ते जिन्ना भी खर्चा आएगा असीं उहनूं खर्च करांगे, लेकिन हुण हैरीटेज प्रॉपर्टी वांगू असीं उहनूं मेनटेन करांगे। ते बाकी स्कूल भी एड्डा सोहणी जगह होवे और एड्डा इतिहासिक शहर च आपां आए होईए जिते इतिहास रचिया गया होवे, ते असीं चाहवांगे कि इत्थे सिक्ख्या और सिक्खी दोवें एक दूजे दा हथ फड़ के अगे चलन, ते साडे बच्चे जिहड़े ने उह चंगे सिख बन, चंगे इंसान बन सकन, वर्ल्ड क्लास सिटीजन बन सकन, यह साड़ी तमन्ना है। उस वास्ते जो भी सानू करना पिया असीं करांगे, जिहदे विच पढ़ाई तां कि बहुत चंगी चल रही है उसनूं इंप्रूव करांगे, लेकिन स्पोर्ट्स वाल होर ध्यान दिता जाएगा, स्पेशली जिस तरह हॉकी फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, एथलेटिक्स है, सो ग्राउंड बनिया ने। इनफैक्ट एथलेटिक्स का पूरा 400 मीटर का ट्रैक बनया हुआ साढ़े को, लेकिन मेंटेनेंस घट है और मेंटेनेंस पैसे खर्च की लोड़ पैंदी है, वो असीं करांगे खर्चा, ताकि जो बच्चे साढ़े स्पेशली पेंडू बैकग्राउंड तो आते हैं वो आ के इतने प्रैक्टिस करन और अपना नाम बना सकन। कीरतपुर साहब वास्ते साड़ी कोशिश है कि साढ़े को जगह उत्थे बहुत घट है, तो उत्थे उन्हूं वधाउण दा स्कोप घट है, सो असीं चाहवांगे कि एक जगह ते ज़्यादा जगह लैके उन्हूं पूरे उन्हूं CBSE तो मानता दवा के सोहनी पढ़ाई करी जा कराई जाए, ताकि कीरतपुर साहब का बेस्ट स्कूल साड़ा बन सके। और असीं बहुता टाइम नहीं लाना, 1-2 साल से जरा कार्ज पूरा कर देना। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए, इमीजिएटली होनी चाहिए ने। मैं तो इनफैक्ट अपने CM साहब को कल मिलया सीगा, मैं कहा जी शुरू करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भावें अपॉइंट तो बंदा किया जरा सुपरवाइजर चोणों वास्ते है, वो किया तो शायद उन्होंने आई पिछली इलेक्शन से अकाली ने प्रेशर पाने वास्ते किया होगा, ये अड़ गल है, लेकिन अपॉइंट किया, हुण उन्होंने स्टाफ देिए, उन्होंने जगह देिए, जो इलैक्ट्रल रिफॉर्म इलैक्ट्रल रोल्स ने साडे इलैक्ट्रल सिखां दे रोल्स ने वो दोबारा बढ़न, नवी वोटा बढ़न, पुरानी जो कोई हो गए कट्टे जाए, यह सारे काम प्रक्रिया शुरू करिए। आप 4-5 महीने मुका के तो मुड़ के सेंटर लिखी जी कराओ, असी तैयार हाँ इलेक्शन वास्ते, सो बिल्कुल असी 100% कमिटेड हाँ कि इलेक्शन होनी चाहिए है, इस तरह बिल्कुल तैयार है जी। असी खैर इलेक्शन नहीं करवानी, सारा इलेक्शन को लैन देन नहीं है, पर असी कमिटेड हाँ कि इलेक्शन होनी चाहिए। असी तो साढ़े को तंत्र साधन साज है भी ने, और असी पिछे जे बड़े अच्छे ने जो कीर्तन सिखाते हैं अपने बनारसी साहब ने, हुशियारपुर बिलोंग करते हैं, सर 3 दिन वो जाते थे खडूर साहब जाते थे, असं उन्होंने बेनती कहते कहते 3 दिन मैं थोड़े को आ जाया करा, सो असं रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का विरोध होना भी शुरू हो गया, दरबार साहब के ग्रंथ जो कीर्तनी जिते है रागी साहबान है उन्होंने विरोध कर दिता है, क्योंकि एक साज है पुरातन समय तो ये भी चले आ रहा, इन्हें एक कदम हटा देना कि गलत फैसला नहीं। असं हारमोनियम की गल कर रहे हैं, देखो मैं इस बारे नहीं कोई कमेंट नहीं करना चाहवागा, मैं जरूर कहाँगा कि दोवें साइड बाय साइड चलते जान जब तक कोई ट्रांजिशन नहीं हो जाती, पर जे जयदर साहब ने कोई गल की तो मैं उससे कमेंट नहीं करना चाहवागा। प्रधान जी तुहाडे बारे की कहोगे? देखो करप्शन असीं लोगों कह के असीं करप्शन नहीं करांगे, सो जे असीं करप्शन करते करप्शन करना दूर की गल है, करप्शन करते नज़र भी आवेंगे तो भी साढ़े वास्ते घातक है, और सिर्फ साड़ी पार्टी वास्ते घातक नहीं है, पंजाब के मान सम्मान पंजाब की जी इच्छावान ने जिदे करके पंजाब ने आम आदमी पार्टी को बहुत व्डा बहुमत देकर अगे लिया, ये बहुत व्डा द्रोह है उन्होंने सब न, और मान साहब ने अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा लिया, और जिन्होंने कहते ना बड का निप द बड ईवलिन का बड भी वो खेड़न तो पहले उन्होंने नप दो, सो मान साहब ने करप्शन का शुरू होवे तो उन्होंने पहले नपता है बहुत चंगा। हाँ जी मैं अवेयर तो नहीं हाँ, पर जे कोई जो बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल उन्होंने बाहर का राह दिखाना ही फायदेमंद रहेगा पंजाब वास्ते।